हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। जो कि क्लास 11 के विद्यार्थी जो भी हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 की जो एनसीईआरटी इंग्लिश है, तो एनसीईआरटी इंग्लिश में जो भी आप लोगों का नोटिस लिखना आता पेपर में, पोस्टर्स मेकिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट्स आता है बनाने के लिए, लेटर राइटिंग हो गए, नरेटिव्स, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच, आर्टिकल, ये सभी चीज़ें इस YouTube वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस YouTube वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लंबी है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। परीक्षा की दृष्टिकोण से परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसकी पहली वीडियो मैंने आप लोगों को ग्रामर सेक्शन बता दिया है। इस वीडियो देखने के बाद यदि आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटिस कि नोटिस आप लोगों को किस तरह से लिखना, पेपर में किस टॉपिक पर नोटिस आ सकती है। तो आप लोगों के दोस्तों पेपर में तीन टाइप की नोटिस आ सकती है। एक तो आ सकती है स्कूल या फिर कॉलेज नोटिस बोर्ड लिखने के लिए, न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन के लिए, पब्लिक नोटिस बोर्ड, इन तीन टॉपिक पर नोटिस बोर्ड लिखने के लिए आती है, ओके। फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं किस तरह रहता है, आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके आगे थोड़ा क्वेश्चन इधर है इस तरह से। अब इस टॉपिक पर नोटिस किस तरह से बनाई गई है यहाँ आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोगों को नोटिस लिखना है यदि आप लोगों के पेपर में आती है तो, कुछ इस तरह से आप लोगों को, इसी तरह से आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है आप लोगों की नोटिस का, ओके। तो आप लोग देख लीजिए, क्या पता पेपर में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठाकर रख दे पेपर में और नोटिस बनाने के लिए आ जाए। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, आप लोग के नोटबुक या फिर कॉपी में आप लोग इनको अच्छी तरह से लिखकर रिवीजन कर सकते हैं। जितनी बार आप लोग इनको ट्राई करेंगे बनाने के लिए, लिखने के लिए, उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग देखते जाइए, सेकंड क्वेश्चन है नोटिस के लिए ही, आप लोग देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन को और नोटिस किस तरह से बनाई गई है इस वाले क्वेश्चन की, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए करिए, उसके बाद ही आप लोग नोटिस को देखा करें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं किस तरह से नोटिस बनाई गई है, विभिन्न टॉपिक हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों से जितने भी नोटिस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो सभी आप लोगों से बननी चाहिए, फॉर्मेट बनना चाहिए, बाकी आप लोगों को रटना नहीं है इसको, ओके। सिर्फ समझना है और फॉर्मेट आपसे नोटिस का बनना चाहिए। तो आप लोग देखते जाइए, सभी को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। पेपर के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी नोटिस, और पेपर में आप लोगों की नोटिस शायद 4 या फिर 5 नंबर की आती है। तो नोटिस वाले सेक्शन को आप लोग अच्छी तरह से पूरा क्लियर कर लें, आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन छूटने ना पाए। ये दोस्तों पब्लिक नोटिस है कि पब्लिक के लिए आप लोगों को किस तरह से नोटिस लिखना होता है पब्लिक प्लेसों के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सभी को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद है एकेडमिक नोटिस, तो आप लोग देख लीजिए, सभी दोस्तों नोटिस चाहे वो किसी भी टाइप की हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है लॉस एंड फाउंड वाली नोटिस, तो ये तो परीक्षा में दोस्तों बहुत ही, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जाता है इस टाइप की नोटिस को लिखने के लिए।
इसके बाद दोस्तों पोस्टर, जो सेकंड वाला है ये वाला टॉपिक है पोस्टर। अब दोस्तों पोस्टर बनाने के लिए आप लोगों के पेपर में आता है क्लास इलेवेंथ में। पोस्टर दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, बस इसमें आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाना होता है, डिजाइन बनाना होता है। जितने अच्छे से आप लोग पोस्टर को बना सकते हैं, बस ये डिजाइन एक आर्ट दोस्तों, ये पोस्टर बनाना भी दोस्तों एक आर्ट है। जितने आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डिजाइन पोस्टर में दोस्तों आप लोगों को डिजाइन बनाना पड़ता है। जितना अच्छा आप लोग क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप लोग दिखाइए पोस्टर बनाने के लिए। जितना अच्छा पोस्टर बनाएंगे उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स भी मिलते हैं। पोस्टर में दोस्तों किसी भी चीज़ को डिजाइन के माध्यम से दिखाना होता है, जानकारी को। तो आप लोगों को पोस्टर किस तरह से बनाना है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, किस टॉपिक पर किस तरह से पोस्टर बनाना चाहिए आप लोगों को, देख लीजिए क्या पता पेपर में यही आ जाए। अच्छी तरह से दोस्तों देखना पोस्टर को किस तरह से बनाया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को भी दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए करिए, इसके बाद ही उसके आंसर को आप लोग देखा करें। तो आप लोग अच्छी तरह से देखते जाइए। इसके बाद है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। अब दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आप लोग पेपर में आता है लिखने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब दोस्तों होता है ऐड। अब ऐड को आप लोग किस तरह से उसको लिखते हैं, यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोग देख लीजिए पहले कि एडवर्टाइजमेंट किस किस टॉपिक पर आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, जैसे लॉस एंड फाउंड वाले हो गए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत, मैट्रिमोनियल हो गए, शादी ब्याह वाले एडवर्टाइजमेंट, मोटर व्हीकल वाले हो गए, पैकर्स एंड मूवर्स वाले हो गए, प्रॉपर्टी वाले हो गए, फॉर सेल के लिए हो गए, ट्रैवल एंड टूर्स वाले हो गए, और सिचुएशन वैकेंट वाले हो गए। तो यहाँ आप लोग सभी को देख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये सभी सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, पेपर में आने की इनकी अधिक संभावनाएं होती हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप लोग सभी को अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा वीडियो पर ध्यान तो देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ये हो गए आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट क्लास इलेवेंथ के लिए। अब देखते हैं लेटर राइटिंग। तो आप लोग देख लीजिए लेटर राइटिंग को भी, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन शुरू होते हैं लेटर राइटिंग में। ऑफिशियल लेटर किस तरह से लिखना होता है आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में यहीं से आप लोगों के लेटर राइटिंग सेक्शन में से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए।
तो सभी को आप लोग अच्छी तरह से देख लें। लेटर सेक्शन बार जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अच्छी तरह से आप लोग देखते जाइए सभी को। तो आप लोग देखते जाइए, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, तो ये वाली भी दोस्तों एप्लीकेशन आप लोगों के पेपर में आ सकती हैं। ये तो हो गया लेटर, आप जो एप्लीकेशन वाली आते हैं उनको भी देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नरेटिव्स। अब फ्रेंड्स नरेटिव्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स नरेटिव्स एक प्रकार से होता है आप लोगों का एक कहानी। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि नरेटिव आर स्टोरीज एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट इंसिडेंट दैट यू हैव एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी आप लोग इवेंट को या फिर किसी भी इंसिडेंट को आप लोग उसको देखते हैं तो उसको आप कहानी के रूप में किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को लिखना होता है आप लोगों को। तो फॉर्मेट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहता है और पेपर में आप लोग की नरेटिव लिखने के लिए आती हैं, तो आप लोग देख लीजिए। नरेटिव रिपोर्ट राइटिंग स्पीच आर्टिकल, ये जो चार टाइप के दिए हैं इनमें से कोई दो आते हैं पेपर में लिखने के लिए। अब दोस्तों निश्चित नहीं रहता कि कौन से टॉपिक से आप लोगों का आ सकता है, वो कभी कभी नरेटिव भी दे सकता है, रिपोर्ट राइटिंग से भी आ सकता है, स्पीच से भी आ सकता है और आर्टिकल से भी आ सकता है। तो आप लोग चारों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। तो देख लीजिए नैरेटिव से कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट हो गया, तो इसका आंसर आप लोगों यहाँ दिया है कि हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। तो नैरेटिव से इस तरह सीखना होता है कहानी के रूप में। तो आप लोग देख लीजिए पेपर में क्या पता यहीं से आ जाए, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आप लोग इसे नोटबुक में या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा हुआ ये, तो क्रमशः आप सभी के आंसर देख सकते हैं किस तरह से आप लोग को नैरेटिव लिखना है। फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को देखना होगा वीडियो और देखिए भी आप लोग, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए किस तरह से होता है, उसकी लैंग्वेज किस टाइप की होती है, कंटेंट आप लोग क्या उसमें रहता है, ये सब चीज़ देख लीजिए। और एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया भी गया है क्वेश्चन कि किस तरह से आप लोगों को लिखना होता है, तो आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग। नो टोबैको डे सेलिब्रेशन से, तो ये महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद ये दूसरा, आप सभी अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ें, तो आप लोग देखते जाइए। इसके बाद है स्पीच। अब स्पीच मतलब दोस्तों आप लोगों ने जानते भी होंगे कि स्पीच मतलब होता है भाषण। आप लोग भाषण को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, वही आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो स्पीच तो दोस्तों आप लोगों से बन भी सकता है यदि आप लोग ना भी देखें तो, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ दिए गए हैं तो
क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह समझ कर एक बार देख लेना। स्पीच क्वेश्चन हो गए और उसके आंसर ये हैं। आप लोग देखते जाइए फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल लिखने के लिए भी आता है आप लोगों के पेपर में, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से लिखना होता है, टॉपिक दिए गए हैं। तो आप लोग देखते जाइए। आर्टिकल किस तरह लिखना होता है आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल में फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ ड्राइंग बनाना पड़ता है, ड्राइंग के माध्यम से उसको एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, उसको व्यक्त करना पड़ता है। तो आर्टिकल में कुछ आप लोगों को ड्राइंग बनाना पड़ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से बनाना पड़ता है, सभी चीज़ें लिखना किस तरह से इसको किस तरह से लिखा जाता है, वो सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस वीडियो यहीं तक है, मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें दिखा दी हैं, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।